और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अयोध्या जनपद के नाका विद्युत केंद्र पर महिलाओं ने जमकर बवाल काटा। अपनी समस्याओं को लेकर महिलाएं जेई रंजीत कुमार के पास गई थी, लेकिन उल्टा जेई महिलाओं पर भड़क गए। समस्याओं को सुनने की बजाय वो टाल मटोल करते हुए दिखाई दी, जिससे वहां मौजूद महिलाएं भड़क गई और कहासुनी हो गई। महिलाओं का आरोप है कि बरसात के मौसम में खंभों के द्वारा करंट उतरने की वजह से मवेशियों की जान चली गई। वहीं इसकी सूचना जब नाका विद्युत केंद्र के जेई रंजीत कुमार को दी गई तो आरोप है कि खंभा लगाने के नाम पर धन उगाही का प्रयास कर रहे हैं। बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है और मवेशियों की जान जा सकती है, मगर समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई। तो महिलाओं ने कई बार सांसद और विधायकों को भी अपनी समस्या के बारे में बताया, पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई और विद्युत केंद्र पहुंचे तो यहां के अधिकारी नदारद मिले। महिलाओं ने बताया कि काफी समय के बाद अधिकारी जब वहां पहुंचे और उनसे बात करने की कोशिश की गई तो वो उलझ गए, जिससे वहां उपस्थित महिलाएं नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि समस्याओं का निवारण कीजिए, वरना कोई भी बड़ी घटना कभी भी घटित हो सकती है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। महिलाओं ने बताया कि बारिश में करंट उतरने के कारण कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है, वहीं बारिश के मौसम में दहशत भरे माहौल में उन्हें रहना पड़ रहा है। मामले में पार्षद प्रतिनिधि मुरारी सिंह यादव ने कहा कि विद्युत केंद्र जेई रंजीत कुमार का ट्रांसफर हो चुका है, मगर फिर भी अभी चार्ज लिए हुए हैं और अपने कार्यों को पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। कई बार सूचना देने पर भी और वार्ड की समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया, जिससे वार्ड में कई मवेशी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। बरसात के मौसम में करंट घरों में भी उतरने लगते हैं, क्योंकि खंभों के तार नीचे लटक रहे होते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। तो जांच एसडीओ साहब हमें फॉरवर्ड करेंगे वो चीज। ये काम आपकी फैसला है, यहां का आप फैसला नहीं है, ये हमको ना बताइए, हम भी पढ़े लिखे गांव के बदलो मनी कोई बवाल नहीं हुआ बोल रहा आपसे। ये फैसला नहीं है, हम तो काम करके अपना आ रही है, जगह का बड़ा कंप्लेंट आई है, बताइए क्या करना है। इसके अथॉरिटी फिर वो लिख देंगे, आप आइए ठीक है ना, ये लीजिए। अभी तक आपका किसी महिला को पाला तो पड़ा नहीं होगा, बिल्कुल भैया हमारा एकदम घर में बाटा लटका बाटा तो हम का एप्लीकेशन लिख के दी, अंदर एप्लीकेशन दीजिए और लिख के दे दो। समस्या है कि खम्भा गिर चुका है, लकड़ी का खम्भा लगा रहा, मकान बन रहा है, मकान वाले खम्भा गिरा दिए। अब तार कैसे लगे, जब दोबारा खम्भा लगे तब तो लगे। अब बिजली वाले और जेई वाले क्यों सुनवाई नहीं दे रहा है, हम लोग आते हैं गरीब मनी। जेई साहब क्या कर, अब जेई साहब यही कह रहे कि खम्भा लगवाए दिए, तार खिंचा दिए, हमारा सबका मामला हल हो जाए, नहीं बच्चे को या ना हम लोग को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। जिसपे कि जो वहाँ पे जीवन यापन करता है जानवरों को पालकर, उनका भी नुकसान हो रहा है। जरूरी नहीं है कि जनता मरे, अभी आज जानवर मर रहा है कर को किसी के बच्चे मर सकते हैं, और हर सबके दरवाजे के ही आगे खंभा लगा हुआ है, उस पर करंट आ रहा है, तार नीचे तक है, जहाँ के कंधे तक तार आ रहे हैं। ये शिकायत सांसद तक गई, विधायक तक भी गई ये शिकायत, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। इसलिए बिल्कुल त्रस्त हो गया जे के पास भी 2-3 बार कंप्लेन आ चुकी है, जो कि जे ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यहाँ पर आज क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन लिखित पे ही, अभी तो मतलब ज़्यादा फोर्स करने पे तुरंत बोला है जेई साहब ने कि अभी तुरंत आ रहे हैं हम, कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई तुरंत हो वरना जनता डिमांड पे ये मैटर है। आज जेई से मैंने बात किया, जेई कह रहा है कि वहाँ पे पोल लगाने का एस्टिमेट बनता है, जिसको कि जनता पैसा देगी, लेकिन ये योजना दिखा, अगर योजना अगर है ये तो योजना के अंतर्गत कोई भी लिखित दिखाएं तो तब तो जनता पैसा दे कि ठीक है। अगर लिखित योजना है कि पोल लगाने का 5,000, 10,000, 20,000 जो भी लगता है तो जनता वो देगी कलेक्ट करके उसे, लेकिन ये योजना कोई दिखा नहीं रहे लिखित, और यहाँ से वहाँ जनता को भगा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? होना तो यही चाहिए कि कम से कम अभी बरसात फिर शुरू हो जाएगी, बारिश होगा, आए दिन फिर मौत होगी, तो कम से कम यहाँ के बिजली विभाग वाले जाके कम से कम ये तो आश्वासन दे कि हाँ ये काम हो रहा है, करंट नहीं आएगा। दो जानवर पोल पे जो करंट उतरा है, दो जानवर मर चुके हैं,
और उसके बावजूद कुछ महिलाओं को खंभे क्रॉस करते थे बुद्ध नगर में। वो महिलाएं जब जेई के पास जाती हैं, जेई कहते हैं कम से कम आप लोग 20,000 दिए तब खंभा लग पाएगा। इसकी शिकायत काफ़ी ऊपर तक बिकेगी, लेकिन जेई अभी नहीं माना, जबकि जेई का ट्रांसफ़र 23 अप्रैल को हो भी चुका है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि वो पैसे देकर चाहे भी जैसा उसने अपना ट्रांसफ़र रुकवा लिया। हम लोग आज 45 साल से भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर किसी कनेक्शन अगर कोई काम कहेंगे नहीं करेगा, और जहाँ इसको पैसा मिल जाता है वहाँ काम कर लेता है। नहीं आ रहा है, हमने विधायक से भी कहा है, संजीव सिंह जिलाध्यक्ष से भी कहा है, क्या दिक्कत है कि इसका ट्रांसफ़र होने के बावजूद किस आधार पर रुका है और इसका मनोबल इतना। अगर हम लोग कुछ भी कहेंगे ये नहीं करेगा अपने मुझे, वही महिलाएं उस बुद्धनगर की अगर 20,000 दी होती पोल लग जाता, पैसा नहीं दी पोल नहीं लगा, क्या मतलब रहा इसका, इसका क्या अर्थ लगाया जाए। हम लोग आज के 45 साल से भाजपा का शासन यहाँ है, भाजपा का शासन ऊपर है, हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, इतना मनोबल इस जेई का बड़ा हुआ है। हमारे वार्ड में कई समस्याएं हैं, कई जगह तार लटके हुए हैं, कई जगह कम से कम जैसे कनेक्शन, हम लोग किसी कनेक्शन कहेंगे जेई नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे, पैसा पाएंगे कनेक्शन कर देंगे वो। ये दिक्कतें अपने वार्ड में, और कई जगह पोल की भी कमियां हैं, पहले पोल लग जाते थे, अब पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, पोल भी नहीं लग रहा है, जहां पैसा मिलता है वहां पोल लग जाता है। मेरा नाम मुरारी सिंह यादव है, पूर्व में सभासद था, वर्तमान में पत्नी पार्षद हैं। क्षेत्र का कार्य हम लोग हमेशा देखते रहे, जैसे पहले रहे ना रहे, हम लोग क्षेत्र काम हमेशा